हाँ जी, सेवन्थ क्लास। अब हम क्वेश्चन नंबर टू करेंगे, एक्सरसाइज 2.2 का। और क्वेश्चन नंबर टू है, कंस्ट्रक्ट एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना है। इक्विलेटरल का मतलब होता है ऑल साइड्स इक्वल, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब होता है कि सारी साइड्स इक्वल है। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, इक्वी का मतलब होता है इक्वल, ठीक है। और इक्वी लेटरल ट्रायंगल है तो इसका मतलब ऑल साइड्स आर इन इक्वल लेंथ, इक्वल लेंथ में होंगी सारी साइड्स। मतलब उसकी एक साइड दे रखी है, ये 5.5 दे रखी है, और इसका मतलब है कि सारी साइड्स जो है ना 5.5 सेंटीमीटर होगी। अगर मैं रफ में ट्रायंगल भी बना लूं तो रफ में ट्रायंगल कुछ इस तरह का बनेगा, देखो ऐसे, ठीक है। और ए बी सी, और उसने बोला है इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाओ, साइड है 5.5, तो इसका मतलब ये भी 5.5 सेंटीमीटर है, ये भी 5.5 सेंटीमीटर है, और ये भी 5.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इसको स्केल, पेंसिल और कंपास से ड्रॉ करेंगे और 5.5 सेंटीमीटर की एक बेस लाइन लगा लेते हैं जो कि हमारी ए बी होगी। तो मैं पेन से अगर ड्रॉ करूंगी तो आप पेंसिल से ही यूज करोगे, पेंसिल ही यूज करोगे आप। तो यहां पर मैं 5.5 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ। ये रहा मेरा 5.5 सेंटीमीटर का, अगर आप देख सकते हो तो ये मैंने 5.5 सेंटीमीटर पे डॉट लगा दिए हैं। ये देखो 5.5 सेंटीमीटर स्केल पे प्रॉपर नजर आ रहा है, ठीक है। अब आप देखो इस 5.5 सेंटीमीटर को नाम दे देते हैं ए और बी, और ये 5.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब मुझे कंपास ओपन करनी है 5.5 सेंटीमीटर की ही, तो मुझे स्केल की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये भी 5.5 ही है, तो मैं इसी से ही कर लेती हूँ ऐसे, क्योंकि ये ऑलरेडी खींची हुई है लाइन। तो स्केल पे अगर कंपास हिल भी जाती है तो यहाँ मेरी कंपास नहीं हिलेगी। ये देखो आप, ये मेरी 5.5 सेंटीमीटर की ही कंपास ओपन होगी, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो सारी साइड्स इक्वल है। एक कट मैं इधर लगाऊंगी, ठीक है, और कंपास बंद नहीं करनी। देखो मैंने कंपास बंद नहीं करी, ये इतना ही है, 5.5 का 5.5 ही ओपन है कंपास मेरी। और दूसरा हम यहाँ पर रखकर इधर लगा देंगे, ठीक है। अब मेरा जो है इन दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो है, इन दोनों को जहाँ पर ये मिल रही हैं लाइंस आर्क, तो यहाँ पर एक डॉट लगा देना मैंने ऐसे, ठीक है। आप ध्यान से देखो, मैंने यहाँ पर एक डॉट लगाया। ये ऐसे वाले डॉट मत लगाना प्लीज, ये गलत है, ठीक है। डॉट का मतलब है पॉइंट, का मतलब है ये पॉइंट, दैट्स इट, ये पॉइंट है। अब हम इन पॉइंट्स को पॉइंट से जोड़ देंगे। तो यहाँ से मैंने इस पॉइंट को इस पॉइंट से जोड़ना है, और ये रहा मेरा डॉट, ये जुड़ गई मेरी लाइन। आप पेंसिल से ही ड्रॉ करोगे, ठीक है। और दूसरा जो है इधर से इधर जोड़ूंगी मैं, और यहां पर मेरा इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया ये, ठीक है। ये मेरा इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया, ये भी 5.5 सेंटीमीटर है, और ये भी मेरा 5.5 सेंटीमीटर है। यहां पर मेरा इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया है। यहाँ पर क्वेश्चन टू कंप्लीट।